हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन टू हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए जो फेसबुक की वीडियो हमने बनाया कि कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो क्लियर नहीं हुए। उन सारे पॉइंट्स को लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। जैसे कि वीडियोस कितने मिनट्स का होना चाहिए, कितने मिनट वॉच होना चाहिए, कितना वॉच टाइम होना चाहिए उसका, और व्यूज जो है हमारे पेज के उसे हम कहां देखेंगे, कैसे उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो दोस्तों, इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, आप उस पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वहां पर जो है जितने भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, फेसबुक पेज बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले फेसबुक पेज पर, यहां पर हम लोग फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आज जो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सिर्फ फेसबुक पेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग फेसबुक पेज नहीं बनाए हुए हैं और नहीं पता है कि फेसबुक पेज कैसे बनेगा, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट फेसबुक पेज पर कि फेसबुक पेज पर हम लोग कैसे व्यूज वगैरह को चेक करेंगे। तो जैसे कि ये रहा हमारा फेसबुक पेज, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो वीडियो आपको अपलोड करना है बिजनेस पर्पज यानी कि अर्निंग से रिलेटेड, अगर आपको कोई वीडियो इस पर अपलोड करना है फेसबुक पेज पर, तो उसकी लेंथ कम से कम 3 मिनट की होनी चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, उसकी लेंथ 3 मिनट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो जो है इसके वीडियोस के इंक्लूडिंग में आएगा। और वो जो वॉच टाइम होगा यानी कि जो वीडियो का व्यू जो काउंट होगा, वो हर वीडियो पर कम से कम 1 मिनट का वॉच टाइम चाहिए, तभी वो जाकर के वो वॉच टाइम में यानी कि वो व्यू में काउंट होगा। यानी कि एक वीडियो पर, जिन वीडियो पर कम से कम 1 मिनट का व्यू होगा, तो वो जाकर के उस व्यू में काउंट होगा जो हमें व्यूज मोनेटाइजेशन के लिए लेकर के आना है। यानी कि जो 30,000 व्यू है, वो उस व्यू के अंदर वही व्यूज काउंट होंगे जो हमारी हर वीडियोस का 1 मिनट का कम से कम वॉच टाइम होगा, वही उसके अंदर काउंट होगा। और ये जो 30,000 व्यू है, वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना है। और वो जो है फॉलोअर्स, उसके लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है, वो कम से कम 10,000 होना चाहिए। और 10,000 अगर आपके फॉलोअर हैं और कंप्लीटली अगर रेगुलरली अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो 1 महीने में ये श्योर है कि आपका 30,000 व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मान करके चलें, तो आप जो है फॉलोअर्स भी गेन करें और एक से एक अच्छे अच्छे वीडियो कम से कम 3 मिनट का उसके ऊपर जो है डालें कि वो 1 मिनट कम से कम वो वॉच किया जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कुछ ऑप्शंस यहां पर हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि हम वॉच टाइम को देखें कैसे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये पेज है, यहां पर कुछ चीजें मिल जाती है। जनरल किसी के भी पेज पर जब जाएंगे तो यहां पर आने के बाद यहां पर वीडियोज आपको मिल जाती है। अगर वीडियोज देखना है सारा का सारा कि इस पेज पर कितने वीडियोस हैं और कौन कौन सी वीडियोस हैं, तो इस तरीके से वो वीडियो जो है बिल्कुल चैनल की तरह आप देख सकते हैं। यहां पर इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस दिखती हैं, तो वो सारी की सारी वीडियो जितनी भी अपलोड हुई हैं वो आप यहां से देख सकते हैं किसी के भी पेज पर जाकर के। और उसके बाद अगर आप अपने पेज पर हैं, तो और डिटेल्स जानने के लिए जो है यहां पर ऊपर आप देख सकते हैं पेज के यहां पर इनबॉक्स है। जब आप इनबॉक्स में जाएंगे तो यहां पर सारे मैसेजेस वगैरह आपको दिखाई देंगे, जो भी मैसेजिंग आती है आपके वीडियो से रिलेटेड, आपके पेज से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो है मैसेज एंड कमेंट्स, लाइक्स वगैरह सब कुछ जो है आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सारे के सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सब लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। तो इस तरीके से यहां पर मैसेज वगैरह सारा का सारा जो है एक ही जगह आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सभी मैसेज का आप जो है रिप्लाई दे सकते हैं इस तरीके से इनबॉक्स में आने के बाद। उसके बाद जो है यह है नोटिफिकेशंस, कितने नोटिफिकेशंस आए गए वो सारा का सारा यहां पर दिखाई देगा। तो हम जनरली इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पहले व्यूज के बारे में, और जैसे जैसे डिटेल्स पता लगती जाएगी वैसे वैसे वन बाय वन करके सभी के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो यहां पर सारी की सारी नोटिफिकेशंस यहां पर आई हुई है जो आपको यहां पर नजर आएंगी। उसके बाद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें देखने के लिए वो है इनसाइट्स। इनसाइट्स ही मेन है जो हमें देखना है, यहीं से हमें सब कुछ पता लगेगा। इनसाइट्स के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं
जो एक्टिव है, जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे पेज व्यू यहां पर दिखेगा 720, ये है आपका 7 दिनों का। आप यहां से जो है आप 7 डे का भी देख सकते हैं, स्टरडे यानी कल का भी देख सकते हैं, टुडे आज का भी देख सकते हैं और 28 दिन का भी देख सकते हैं। इस तरीके से कितने दिन का आपको देखना है वो सारी चीजें आप यहां से ओवरव्यू के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर है पेज लाइक कितने आए 7 डे के अंदर, और यहां पर रीच कितनी मिली आपको 116, और यहां पर व्यूज आप यहां पर देख सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर जो है 100 व्यूज आए हैं, ये चीज आपको यहां पर मिलेगा, और पोस्ट इंगेजमेंट 141 मिला है। इसी तरीके से जब आप यहां पर और भी 28 दिन का देखना चाहेंगे तो 28 दिन का आप यहां से देख पाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं वीडियोस पर टोटल वीडियो व्यूज 406 व्यूज आए हुए हैं। इस तरीके से आप ये टोटल जानकारी जो है आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि हम कहां पर व्यूज देखें, तो ये तो जनरली जो है ये ओवरव्यू आपके पेज का दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखना चाहते हैं कि व्यूज और टाइमिंग ये सब कुछ अगर निकालना चाहते हैं, वो चीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा। एक बार हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखिए फॉलोअर्स अगर अलग अलग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लाइक्स देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ये वीडियोस को खामोखा जो है लंबी नहीं करते हुए हम मेन पॉइंट्स पर चलते हैं। यहां पर जब आप वीडियो में आएंगे, वीडियोस पर यानी कि इनसाइट्स के अंदर आने के बाद जो है जब आप वीडियोस पर आएंगे इस तरीके से वीडियोस पर, तो यहां पर जो आपको दिखाई देगा वो एक्चुअल यहां पर 7 डेज का 140 व्यू है जो आप यहां पर देख सकते हैं, जो कम से कम 3 सेकेंड तक देखा गया है, और 140 व्यू में जो टोटल मिनट्स है वो 175 मिनट्स देखा गया है। यानी कि 140 व्यू तो आए हैं लेकिन 140 व्यू को 175 मिनट्स टोटल देखा गया है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये 140 में 175 व्यूज यानी 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा देखा गया है। तो जैसा कि पेज के अकॉर्डिंग जो इसका जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग यानी कि वही इसके अंदर इंक्लूड होगा जो 1 मिनट से ज्यादा देखा गया, यानी कम से कम 1 मिनट देखा गया है, तो यानी कि ये इंक्लूड हो गया है। तो 1 सप्ताह में जो है हमें मिले 140 व्यू, तो ये इंक्लूड होकर के मिला है, यानी कि ये 175 मिनट तक देखा गया है। उसी को अगर हम यहां पर 28 दिन का करते हैं तो यहां पर मिल जाता है 426 व्यू, और इस 426 व्यू को देखा गया है 745 मिनट, यानी कि ये भी जो है 1 मिनट से ज्यादा देखा गया है, करीब करीब 2 मिनट के आसपास देखा गया है। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं, अपने पेज का व्यूज और मिनट्स चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आगे देख सकते हैं यहां पर पब्लिश। जब पब्लिश पर आप जाएंगे तो यहां पर जितने भी आपने वीडियो पब्लिश किया है, जो जो भी पब्लिश किया है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने जो वीडियोस पब्लिश किया हुआ है वो इस तरीके से पब्लिश किया हुआ है, ये कि आज ही पब्लिक हुई है। रीच यहां पर दिखाएगा कितने लोगों के सामने गई है, यहां पर क्लिक्स दिखाएगा, एक्शंस दिखाएगा, और यहां पर 630 लोगों के सामने गई है, 6 लोग यहां पर क्लिक किए हैं। इस तरीके से जो है आपको यहां पर सभी वीडियोस की डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाती है, 1 by 1 करके सभी पोस्ट की डिटेल्स आपको मिल जाती है। इस तरीके से शेड्यूल पोस्ट वगैरह किए हुए हैं, या फिर यहां पर जो है वीडियोस पर जब क्लिक करेंगे आप यहां पर, तो वीडियोस वाइज टोटल दिखेगा कि कितने व्यूज आपको मिले हैं और कब आपने इसको जो है ऐड किया था। इस तरीके से सारा का सारा डिटेल्स आपको वीडियो के रूप में दिखाई देगा, और यहां पर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पोस्ट में, तो पोस्ट में जो भी आपने कोई इमेजेस वगैरह या फिर किसी भी कोई भी एक कोई प्रोडक्ट का पोस्टिंग किए हैं उसको, तो वो भी सारा का सारा वहां पर दिखाई देगा। इस तरीके से जो है आप 1 by 1 करके देख सकते हैं, इस सारा कुछ जो है आपको निकल के यहां पर आएगा। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो बिल्कुल यूट्यूब की तरह वर्क करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्रिएटर स्टूडियो खुल करके आएगा जो एग्जैक्टली लगभग लगभग बिल्कुल यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से मिलता जुलता है। यह भी ओपन हो रहा है, देखते हैं हम इसको। यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी वीडियो आप अपलोड किए हैं यहां पर 1 by 1 करके क्रिएटर स्टूडियो के अंदर दिखाई देगा, यहां पर कितने जो है पीपल उसके पास पहुंची है, एंगेजमेंट दिखाई देगा, उसके बाद यहां पर नीचे व्यूज दिखाई देगा, लाइक्स वगैरह सब कुछ यहां पर डिटेल्स आपको नजर आएगा। यहां पर जो है 7 डेज का इनसाइट्स आपको दिखाई देगा कि एंगेजमेंट कितना रहा, मिनट्स वॉच्ड कितना रहा, व्यू जो है भी है कितना रहा, नेट फॉलोअर्स कितने बढ़े 7 डे के अंदर, ये सब कुछ जो है यहां पर आपको दिखाई देता रहेगा। मोनिटाइजेशंस ये सब भी दिखाई देगा, चूंकि हमारे जो पेज है अभी
जो है एलिजिबल नहीं है, जब एलिजिबल हो जाएगा तो यहां पर सब कुछ दिखाई देगा। एड ब्रेक एक्सेस के अंदर जो है सब कुछ जाकर के आप एड अपने आप लगा पाएंगे, तो चूंकि हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। चेक करने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो तो आपको पता ही है, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर वहां तक पहुंचे तो यहां से आप चेक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहां से भी सारी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि ये होम पेज पर अभी आप हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कंटेंट लाइब्रेरी है, तो यहां पर सारे पोस्ट आपको दिखाई देंगे, चाहे इमेजेस वगैरह हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का आपने अगर दिया है तो सब कुछ दिखाई देगा। इसको आप यहां से पोस्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप यहां से वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहां से आप जो है वीडियोस पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं टोटल व्यूज जो इस पर आए हुए हैं, सारा का सारा एंगेजमेंट कितना रहा, व्यूज कितना रहा, ये किस डेट को पब्लिश हुई, ये सब कुछ देख पाएंगे। यहां पर इनसाइट्स पे आएंगे तो यहां पर जो है टोटल आपको यहां पर नजर आ जाएगा, यहां पर डेट सेलेक्ट करने के बाद कि कितना कितने मिनट्स व्यूड है, यहां पर व्यूज आपका दिखाई देगा कितने व्यूज आपको मिले 7 डे के अंदर। यहां से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक, यहां से आप सेलेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। तो उस 28 दिन के अंदर 426 व्यूज मिले हुए हैं, जिनको देखा गया है 757 बार। तो आप यहां पर क्रिएटर स्टूडियो के अंदर भी आकर के आप देख सकते हैं नेट फॉलोअर्स जो हमें मिले 28 दिन के अंदर 179 मिले। इस तरीके से आप कंप्लीट डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं और भी जो है यहां पर जो है डेट बाई डेट सारी चीजें देख सकते हैं। इस तरीके से आप आगे जाएंगे तो इसमें 21 नवंबर से लेकर के ऐसे डेट बाय डेट जो है सब कुछ आपको यहां पर क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने पेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यहां पर लॉयल्टीज वगैरह, यहां पर अर्निंग्स वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे। चूंकि एलिजिबल हमारा पेज अभी नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। इनबॉक्स के अंदर आएंगे तो यहां पर आप, चूंकि यहां पर दो पेज है हमारा, एक पेज गलती से बना हुआ है तो यहां पर पेज सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, यहां से अप्लाई हमको करना पड़ेगा। आपका सिंगल पेज होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहां पर आने के बाद जो है यहां पर कमेंट्स वगैरह और मैसेजेस वगैरह सब कुछ जो है यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी आप रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है कंप्लीटली यहां से देख सकते हैं। मोनिटाइजेशन चूंकि एलिजिबल नहीं है तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहां पर जो है राइट मैसेज वगैरह, जैसे कॉपीराइट वगैरह लगता है तो सारे मैसेजेस वगैरह सब कुछ यहां पर आपको आकर के दिखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिएटर स्टूडियो, तो इसको जो है आप जो है जरूर चेक करें। और इसके बारे में और भी डिटेल से अलग से हम क्रिएटर स्टूडियो की वीडियो बनाएंगे जब इसका और डिटेल्स आ जाएगा और मोनिटाइज वगैरह हो जाने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने पेज पर इस तरीके से सारे डिटेल्स देख पाएंगे, व्यूज वगैरह देख पाएंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें क्योंकि काफी लोगों की इंक्वायरीज चल रही है कि कैसे वो लोग अर्निंग कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर तरीके से हम वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको प्रमोट कैसे कर पाएंगे, कैसे एक बेहतर तरीका है पेज पर वीडियो पोस्ट करने का, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।